अस्सलाम वालेकुम मेरे बेटे, मैं आपका रुफीन सर आज आपकी खिदमत में एक और बार बेटे हाजिर हूँ नए प्रॉब्लम के साथ। प्रॉब्लम नंबर 1.18 ऑफ इरिडो। दिस इज अगेन फ्रॉम चैप्टर काइनेमेटिक्स, बट कंपैरेटिवली जो हमने इससे पहले सवाल किए थे उससे कंपैरेटिवली बहुत आसान है। और इसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ ग्राफ कन्वर्जेंस भी जो हम क्लास में करते हैं वो थोड़ा सा यूज हो जाएगा बेटे। सो स्टार्ट करने से पहले बेटे, सबसे पहले उन बच्चों का जो वीडियोस देखते हैं कंटिन्यूसली डेडिकेशन से, उनसे मैं मुखातिब हूं बेटे। योर लव, योर डेडिकेशन ड्राइव्स मी टू वर्क हार्डर। मेरे बेटे स्टे ट्यून्ड, स्टे ऑन द चैनल। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट अवर 18th क्वेश्चन। पहले क्या करेंगे, वही इस क्वेश्चन में पहले अंडरस्टैंड करेंगे क्वेश्चन क्या है, फिर हमको डायग्राम बनाने की तो जरूरत है ही नहीं, डायग्राम उधर से ही इसमें दिया है, ठीक है ना। तो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है बेटे, क्वेश्चन इज अ पॉइंट ट्रेवल्स अलोंग एक्स एक्सिस, ओके, विद अ वेलोसिटी प्रोजेक्टेड वी एक्स इज प्रेजेंटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी फंक्शन ऑफ टाइम दिया है, ये है वेलोसिटी, इट हैज बीन गिवन, इट इज फंक्शन ऑफ टाइम, ओके, दिस इज टाइम एक्सिस, ओके। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एक्स इज इक्वल जीरो एट टी इज इक्वल जीरो। तो पार्टिकल ने जीरो से स्टार्ट किया है, दैट मीन्स पार्टिकल ने ओरिजिन से स्टार्ट किया है और उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, यहां पर अगर आप देखोगे वेलोसिटी टाइम कर्व से टी इज इक्वल जीरो पे इनिशियल वेलोसिटी जीरो है और उसने ओरिजिन से ही स्टार्ट किया है। इसका मतलब है दो चीजें हमको पता चली, पार्टिकल ने ओरिजिन से स्टार्ट तो किया है मगर किस वेलोसिटी से स्टार्ट किया है, जीरो, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ड्रॉ द अप्रोक्सिमेट, हमको इसका अप्रोक्सिमेट टाइम डिपेंडेंस प्लॉट्स एक्सेलरेशन का डालना है। वी हैव टू प्लॉट एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वी हैव टू प्लॉट डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ एंड वी हैव टू प्लॉट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। हमको तीन ग्राफ्स डालने बेटे, हमको एक्सेलरेशन टाइम डालना है, पोजिशन टाइम जहां पर भी लिखा होता है दैट्स ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है, और हमको डिस्टेंस टाइम डालना है। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस क्वेश्चन को बाई पार्ट्स, लेट्स ट्राई टू फिक्स द क्वेश्चन बाई पार्ट्स। पहले मेरे बेटे मैं क्या करूंगा, मैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देखूंगा। हमको पता है बेटे, वी हैव ऑलरेडी यू नो डन दिस इन क्लास, स्लोप ऑफ वीटी कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व गिव्स एक्सेलरेशन। और आपको पता ही है अगर हम टांजेंट का स्लोप निकालेंगे वो हमको देगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, अगर क्वाड का स्लोप निकालेंगे वो एवरेज एक्सेलरेशन देगा, बट वेलोसिटी टाइम कर्व का जो है स्लोप वो एक्सेलरेशन हमको देगा। सो अगर मैं आपको बताऊं बेटे, बताइए From t is equal to 0 to t is equal to 1 seconds. 0 से लेके 1 second तक अगर आप देखोगे मेरे बेटे ये वाला curve, इसमें slope constant है कि variable है, constant है, तो बताइए tan theta किसके बराबर होगा, tan theta will be equal to इस angle का tan perpendicular by base 1 divided by 1, it is 1 meter per second square. I'm assuming these all stuff is given in meter per second, it will be meter per second square. ठीक है, अब बताइए 1 से लेकर मेरे बेटे 3 सेकंड तक, अब बताइए फ्रॉम t इज इक्वल टू 1 टू t इज इक्वल टू 3 सेकंड्स कितना है tan थीटा मेरे बेटे, शाबाश शाबाश, वेरी इजी, इसका tan थीटा मैंने आपको क्लास में बताया, जितना लाइन हॉरिजॉन्टल होगा ना उतना स्लोप कम हो जाएगा, जितना लाइन वर्टिकल की तरफ जाएगा, ठीक है, जितना थीटा आपका बढ़ेगा tan इंक्रीजिंग फंक्शन है स्लोप बढ़ेगा। सो इस लाइन का ये हॉरिजॉन्टल है परफेक्टली, इसका स्लोप जो है जीरो है, एक्सेलरेशन जीरो है। उसके बाद देखिए 3 से 6 सेकंड तक अगर आप मेरे बेटे देखोगे, 3 से 6 सेकंड तक इस लाइन को अगर आप देखोगे, ये एक ही लाइन है, तो इस लाइन का जो स्लोप होगा मेरे बेटे वो कांस्टेंट होगा, होगा कि नहीं, ये एक ही लाइन है। मैं इस 3 से 4 तक जो स्लोप निकलेगा वही 4 से 6 तक निकलेगा, बिकॉज आपको पता है ये थीटा और यहां से ये भी थीटा होगा। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमको स्लोप में एंगल देखना होता है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हमको ये वाला एंगल देखना था, this much with the positive direction of x axis, this is obviously agar andar wala theta hai ye hoga na pi minus theta and we know tan of 180 minus theta is minus tan theta, is it, isliye hum andar wala theta ka tan nikalenge fir uska negative rakhenge. So bataiye from t is equal to 3 to 6 seconds, t is equal to 6 seconds jo tan theta hoga wo to ek hi hoga, 3 se 6 tak jo hoga, ठीक है, वो वही होगा जो 3 से 4 तक होगा मेरे बेटे। यहां पर tan थीटा कितना होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, इट विल बी माइनस 1, इट विल बी माइनस 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वेरी गुड।
उसके बाद फ्रॉम टी इज इक्वल टू 6 टू टी इज इक्वल टू 7 सेकेंड्स। शाबाश मेरा बच्चा, टी इज इक्वल 6 से टी इज इक्वल 7 सेकेंड तक इस लाइन का स्लोप अगर आप देखोगे, इट्स स्लोप इज पॉजिटिव। टैन थीटा अगर आप देखोगे वो कितना आ जाएगा मेरे बेटे, परपेंडिकुलर, दैट्स 2, बेस इज 1, दैट्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव? पॉजिटिव। अब आप यहां पर देखोगे सर ये तो नेगेटिव था, फाइनल वैल्यू जीरो है ना, यहाँ पर 6 से 7 तक अगर आप देखोगे फाइनल वेलोसिटी जीरो, जीरो माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाई बेस, है ना, परपेंडिकुलर दिस। फाइनल वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर इज जीरो, इनिशियल इज माइनस 2, जीरो माइनस माइनस 2 डिवाइडेड बाई 1, दैट्स 2। सो नाउ लेट अस स्केच दिस एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। कैसा बनाऊंगा मेरे बेटे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ? चलिए बेटे, दिस इज माई वन एक्सिस, दिस इज माई सेकेंड एक्सिस, ठीक है बच्चा? ओके सर, ये हमारा दूसरा एक्सिस है। एक्सेलरेशन को हम W लिखेंगे, W X, उसी को टाइम के साथ प्लॉट करना है। कितने सेकंड्स दिया था, उसके बाद 7 सेकंड्स के बाद इसकी वेलोसिटी जो है वो जीरो ही है, इट्स कांस्टेंट। अगर मैं यहां पर बताऊंगा इट इज जीरो, यहां पर बताऊंगा बेटे इट्स जीरो जीरो, उसके बाद यहां पर बताऊंगा इट्स इक्वल इंटरवल्स पे, सो 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकेंड, 5, 6, 7, उसके बाद 8 भी होगा। दीज आर योर, दिस इज 1 सेकेंड, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, दिस टाइम इन सेकेंड्स। कम ऑन बताइए, जीरो से वन तक स्लोप कितना है? पॉजिटिव, एक्सेलरेशन वन है। सो ऊपर से मैं लिखूंगा बेटे, ऊपर से ट्राई टू रेज दिस, ऊपर से मेरा बच्चा ये वन आ जाएगा, ऊपर से हम रखेंगे यहां पे वन, दिस विल बी वन, दिस विल बी टू, this is 1, this will be 2, and in the bottom side usko stretch kar sakte ho, niche se curve ko niche bhi le sakte ho, this will be minus 1, this will be minus 2, theek hai mera bachcha, minus 1 minus 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, जीरो से वन तक 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ठीक है, जीरो से वन तक, दिस इज योर एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एब्सोल्युटली कांस्टेंट, एग्जैक्टली यहां तक है। उसके बाद हो गया मेरे बेटे ये, उसके बाद 1 से 3 सेकेंड तक, 1 से 3 सेकेंड तक इट जीरो, चलिए इसको मैं यहां पर जीरो विल यू नो प्लॉट दिस एज जीरो, ये जीरो है। चलिए अभी तो यहां से जीरो से वन तक ये वन है, उसके बाद ड्रॉप हुआ है वैल्यू, बन गया है जीरो। उसके बाद थ्री से सिक्स तक इट्स माइनस वन, थ्री से सिक्स तक, थ्री से सिक्स तक इट्स माइनस वन, इट्स माइनस वन, दिस इज द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है ना, थ्री से सिक्स तक ये वाला पहले ऐसे नीचे उतरा है, माइनस वन तक, थ्री से सिक्स तक इट इज माइनस वन। ओके सर, उसके बाद सिक्स से सेवन, सिक्स से सेवन इट्स टू, इट्स पॉजिटिव, सिक्स टू सेवन, ऊपर इट्स प्लस टू, आप ऊपर देखिए, ऊपर चढ़े गए, जंपिंग इट्स वैल्यू,
going up to plus 2. This is your graph. This is your acceleration time graph. पहले 0 से 1 तक it is 1, उसके बाद ऐसे, उसके बाद 0, उसके बाद minus 1, उसके बाद मेरे बेटे is plus 2. This is your AT curve. ठीक है मेरा बच्चा, अब दूसरी चीज बताओ, दूसरी चीज क्या करना है? अब हमको डालना है, शाबाश क्या, अब हमको डालना है displacement time और distance time. We know, हमने पढ़ा है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम कर्व होता है बेटे टोटल डिस्प्लेसमेंट का वर्ड, दैट इज इंटीग्रल वीडीटी, हमने क्लास में पढ़ा है बेटे, इट इज डेल्टा एस का मॉड, और डिस्प्लेसमेंट होता है मेरे बेटे बराबर फाइनल पोजीशन, एक्स एक्सिस से चल रहा, मैं लिखूंगा एक्स फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन. क्योंकि क्वेश्चन में उधर से ही दिया है, इसने स्टार्ट किया है ओरिजिन से, तो मैं लिख सकता हूं जो भी मुझे एरिया निकलेगा डेल्टा एस होगा फाइनल पोजीशन के बराबर माइनस, बिकॉज इनिशियल पोजीशन तो है वो जीरो है. तो जब भी मैं इस कर्व का एरिया निकालूंगा, एरिया में मुझे डिस्प्लेसमेंट का वर्ड निकलेगा. समझ आया? और याद रखना बेटे, जब मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ प्लॉट करूंगा ना, उसी का जो है मिरर इमेज एक जगह मैं डालूंगा, मुझे मिलेगा डिस्टेंस टाइम कर्व. क्योंकि we already know in the class distance can never decrease with time. इस ग्राफ को देख के मुझे पता चलता है displacement decrease भी हो रहा है. Displacement decrease नहीं हो सकता, distance decrease नहीं हो सकता with time. Displacement can happen. अब देख सकते हो, सबसे पहले मैं एरिया निकालना चाहता हूँ. और मैं, जो भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, मैंने क्लास में बेटे आपको एक ट्रिक दी है, जब भी हम स्लोप निकालते हैं ना, फंक्शन का जो पावर है वो एक यूनिट कम होता है. जब आप एरिया निकालते हो ना, फंक्शन का पावर एक यूनिट इंक्रीज होता है. फॉर एग्जाम्पल देखो, 0 से 1 सेकंड तक ये लीनियर फंक्शन था ना टाइम का, टीरियस पर 1, यहां से 1 से 3 तक टीरियस पर 0, इट मींस कांस्टेंट. 3 से 6 तक इट वाज टीरियस पर 1, 6 से 7 तक इट इज टीरियस पर 1. जब मैं टीरियस पर 1 को डिफरेंशिएट करूंगा, स्लोप का मतलब क्या होता है, डेरिवेटिव. टीरियस पर 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा, टीरियस पर 0. आप देख सकते हो कॉन्स्टेंट टीरियस पर 0, यहां पर भी टीरियस पर 0 कॉन्स्टेंट, यहां पर भी टीरियस पर 0. अब जहां ऑलरेडी टी रेस पर जीरो था, उसको जब डिफरेंशिएट करूंगा कांस्टेंट को, वो जीरो आएगा, इट इज जीरो. मगर बता बेटे, जब मैं एरिया निकालूंगा ना, यहां था ना टी रेस पर 1, इसका जब एरिया निकालूंगा एक पैराबोला आएगा टी स्क्वायर. टी रेस पर 0 को जब इंटीग्रेट करूंगा टी रेस पर 1, टी रेस पर 1 इंटीग्रेट करूंगा टी स्क्वायर, टी रेस पर 1 को इंटीग्रेट करूंगा टी स्क्वायर. इंटीग्रेशन में पावर इंक्रीज होता है, डिफरेंशिएशन में पावर रिड्यूस होता है बाय यूनिटी. ओके चलिए बेटे, अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, शाबाश, इस क्वेश्चन में अब मैं करूंगा डिस्प्लेसमेंट टाइम. सो लेट मी इरेज, आप स्क्रीन को पॉज करके इसको इरेज कर सकता है. कैन नॉट मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज मेरे बेटे वी हैव टू फाइंड आउट एरिया, इसलिए मैं इसी पार्ट को रब कर रहा हूं. चलो जी मेरा बेटा, वेरी गुड, नाउ यू नो दिस मच स्टफ, यू नो. चलिए अब हमको क्या निकालना है, अब हमको एरिया कैलकुलेट करना है. इसमें भी हम ये इरेज करेंगे. चलो लेट्स कैलकुलेट नाउ एरिया. मुझे निकालना है डिस्प्लेसमेंट टाइम का. बताइए बेटे, फ्रॉम टी इज इक्वल टू 0 टू 1 सेकेंड, अगर मैं एरिया निकालूं इसका A1, वो ये वाला एरिया होगा, ट्राइंगल है हाफ ऑफ बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, इट इज 1/2 मीटर, वो आएगा 0.5 मीटर. ठीक है बच्चा, ओरिजिन से स्टार्ट किया है तो कितना ओरिजिन से दूर गया होगा, 0.5 मीटर. ठीक है, तो मैं लिखूंगा यहां पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 0.5, 0 से 0.5 चला है. चलिए बताइए, शाबाश, कहां से कहां, 1 से लेकर 3 सेकेंड तक एरिया A2, 1 से लेकर 3 सेकंड तक, ये मेरे बेटे रेक्टेंगल है, इट्स लेंथ 2 इनटू ब्रेथ इज 1, इट इज 2 मीटर. तो पहले चला था आधा मीटर, x से प्लस x कोऑर्डिनेट था प्लस 5.5, अब है 2 मीटर आगे चल रहा है, तो अब ओरिजिन से कितना दूर होगा, व्हाट विल बी द x कोऑर्डिनेट, 2.5, ब्रिलियंट. अब बताइए, जब मैं t इज इक्वल टू 3 सेकंड से 6 सेकंड देखूंगा ना, 3 सेकंड से मेरे बेटे 6 सेकंड, लेट्स चेंज द कलर,
3 सेकंड से लेकर 6 सेकंड तक अगर मैं देखूं ये वाला 3 से 4 का एरिया और 4 से 5 का एरिया ये कैंसिल आउट करेगा, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव एरिया, दिस नेगेटिव एरिया, एंड दिस इज द पॉइंट, 4 इज द पॉइंट वेयर पार्टिकल इज चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन बिकॉज वेलोसिटी 0 बन रहा है। आपको पता होना चाहिए स्ट्रेट लाइन मोशन में पार्टिकल कब पलटी मारेगा, जब उसकी वेलोसिटी कितनी बनती है, 0 बनती है, उसके बाद वो अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज करता है। सो इस पॉइंट पर पार्टिकल चेंजेस डायरेक्शन ऑफ मोशन, ये वाला ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ये वाला एरिया इस वाले एरिया के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें खाली A3 जो बचेगा वो कौन सा बचेगा, वो ये छोटा सा ट्रेपेज़ियम बचेगा, ये वाला, जरा इसका ट्रायंगल बताइए, हाफ ऑफ ये नेगेटिव आएगा, ऑब्वियसली नेगेटिव, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ये 1 है और ये 2 है, वो कितना आएगा, 1 + 2 इंटू ऑल्टीट्यूड, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है मेरे, 1, और ये नेगेटिव एरिया आएगा, ये कितना आएगा, इट विल बी, कम ऑन, 2 2 कैंसल्स आउट, इट विल बी -1। सो बताइए फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा, 2.5 तक तो पहुंचा था, उसमें -1 करो कोण निकलेगा 1.5 मीटर, अभी भी पॉजिटिव। 6 से 7 तक, T = 6 to 7 सेकेंड्स, बताइए मेरा बच्चा एरिया A4, अगेन यहाँ ट्राइंगल है, इसका एरिया नेगेटिव आएगा, -1/2 ऑफ बेस, बेस कितना है 1, ऑल्टीट्यूड कितना है 2, -2 असल में, इट्स -1। तो जब एरिया A4 आएगा कितना, शाबाश, -1 आ जाएगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, यहाँ हमने क्या किया, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड 1 + ओके हियर देयर इज अ मिस्टेक, दिस इज 1 एंड दिस इज 2, यहाँ पर 3 आ जाएगा मेरे बेटे, सॉरी, यहाँ पर 3 आ जाएगा, हियर हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स, जब हम लिखेंगे पैरेलल साइड से 1 + 2 × 1, यहाँ पर आ जाएगा -1.5 मीटर, 2.5 में से -1.5 मीटर काटेंगे तो वो बचेगा कितना, 1, वो बचेगा 1 मीटर, ठीक है, फिर 1 में से -1 करेंगे तो फाइनल जो x कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। इसका मतलब क्या है, आफ्टर मोशन ऑफ 7 सेकंड्स ये वापस ओरिजिन पे आ जाता है, ओरिजिन पे जब ये आ जाएगा उसके बाद इसकी वेलोसिटी कितनी बनती है, 0, ये रेस्ट पे ही होगा, ठीक है। तो हाउ कैन आई डू इट, कैसे बनाऊंगा, अगर आप यहां पर देखोगे बेटे, अगेन लेट्स ट्राई टू ड्रॉ इट्स डिस्प्लेसमेंट टाइम, displacement time, okay, displacement और यहां से डालूंगा time, चलिए पहले time के intervals यहां डालेंगे, यहां 0 है, 1 है, sorry 0 यहां है, let's call this 1, 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, 5, 6, 7 seconds, और यहां से डिस्प्लेसमेंट का क्या वैल्यू डालेंगे, शाबाश, डिस्प्लेसमेंट का क्या वैल्यू डालेंगे, यहां डालेंगे 1 मीटर, यहां डालेंगे 2, यहां डालेंगे 3, यहां डालेंगे 4 मेरा बच्चा, ठीक है। उसके बाद बताइए ओरिजिन से इसने स्टार्ट किया है, ओरिजिन से स्टार्ट किया है T = 0 पे, बताइए 0 से 1 सेकंड तक कितना चला है, ये 0.5 कहां होगा मेरे बेटे, यहां पर समय, यहां 0.5, 0 और 1 के बीच में। उसके बाद 1 से लेकर 3 सेकंड तक ये चला है कितना, कितना चला है मेरे बेटे, 2 मीटर, तो पहला चला था 0.5, फिर चला है 2 मीटर, वो कितना आएगा 2.5 मीटर, ठीक है ना, ओरिजिन से दूर यहां 2.5 यहां है, चलो उसके बाद 2.5, उसके बाद 3 से 6 सेकंड तक ये चला है -1.5, तो नीचे आ गया है कहां पर, 1 मीटर पर, तो फिर आ गया है 1 मीटर पर, उसके बाद ये आ गया है ओरिजिन पे वापस, ठीक है। हाउ कैन आई प्लॉट नाउ, हाउ कैन आई प्लॉट दिस, अगर आप देखोगे 0 से 1 तक ये लीनियर फंक्शन है, जब मैं इसको इंटीग्रेट करूंगा ये बनेगा T², तो यहां से मेरे बेटे यहां तक अगर आप देखोगे इट्स पैराबोला, ठीक है बेटा, दिस इज पैराबोला, यहां तक 1 सेकंड तक, 0 से 1 तक इट इज पैराबोला, 0.5 इट्स T², बिकॉज मैंने अभी बोला इंटीग्रेशन में पावर बढ़ता है। उसके बाद 1 से 3 सेकंड तक अगर आप देखोगे, 1 से 3 सेकंड तक इसने कितना कवर किया है, 2 मीटर, तो यहां पर अगर आप देखोगे इट्स T^0, जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा ये आएगा T^1,
तो स्ट्रेट लाइन आएगा विद पॉजिटिव स्लोप, कम ऑन, स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। तो यहां से जीरो से वन से थ्री तक, तो पॉइंट ये है, पॉइंट मेरा बेटा ये है, तो यहां ऐसे आएगा स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप। पहले पैराबोला, फिर स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, टी रेस पर वन। उसके बाद थ्री से सिक्स सेकंड तक, थ्री से सिक्स सेकंड तक इसका एरिया था माइनस 1.5, थ्री से सिक्स सेकंड तक ये कहां पर पहुंचेगा बेटे, वापस 1 मीटर पर पहुंचेगा। थ्री से सिक्स सेकंड तक वापस ये कहां पर पहुंचेगा, 1 मीटर पे वापस, ये मेरा पॉइंट है, 1 मीटर पे ये वापस पहुंचेगा। मगर यहां से ये 1 मीटर तक पहुंचेगा कैसे, ठीक है ना, आपको पहले देखना है थ्री से फोर सेकंड तक कितना कवर करेगा ये। जरा आप देखिए, थ्री से सिक्स तक आपने एरिया निकाला है, थ्री से सिक्स तक है माइनस 1.5, थ्री, जरा मुझे बताइए जीरो से फोर तक, पहले जीरो से फोर तक कितना एरिया है, जीरो टू फोर सेकंड्स, मैं देखना चाहता हूं 4 सेकंड पे ये कहां पर होगा, शाबाश, जीरो से फोर, ये भी ट्रेपेज़ियम है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स फोर, ऊपर कौन सा साइड है, नीचे वाला था फोर, ऊपर कौन सा है टू, इंटू ऑल्टीट्यूड, ऑल्टीट्यूड इज वन, ये आ जाएगा 6/2, आएगा 3 मीटर्स, 3 मीटर स्क्वायर एरिया है, ठीक है ना। तो 3 मीटर्स की दूरी पर होगा ये, थ्री से फोर सेकंड पे या जीरो से फोर सेकंड में, जीरो से फोर सेकंड तक 3 मीटर पे होगा, 3 मीटर यहां है, जीरो से फोर सेकंड, ये है 3 मीटर वाला, 3 मीटर वाला पॉइंट। तो पहले पैराबोला, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर अगर आप यहां पर देखोगे मेरे बेटे, इसका जो है अब टी रेस पर वन यहां से थ्री से सिक्स तक है, तो मुझे पैराबोला ही बनाना है, ठीक है, तो मैं अगेन पैराबोला बनाऊंगा, ब्यूटिफुल, अगेन इट्स पैराबोला। थ्री से फोर तक अगर आप देखोगे ये कितना कवर कर रहा है मेरा बच्चा, ये कर रहा है 3 मीटर, 3 मीटर कवर, पैराबोला, पहले डिक्रीजिंग पैराबोला फिर इंक्रीजिंग पैराबोला। उसके बाद 6 से 7 तक कितना एरिया कवर कर रहा है ये बेटे, अगेन 1 मीटर, ठीक है। मगर अब यहां पर अगर आप देखोगे ये टी रेस पर वन है, टी रेस पर वन की इंटीग्रेशन अगेन पैराबोला आएगी, आएगी कि नहीं, मगर अब वो पैराबोला कैसे बनेगा, ये लास्ट में टच करता है ना जीरो, अब मैं पैराबोला यहां से बनाऊंगा ऐसे मेरे बेटे, दिस विल बी द पैराबोला, ये भी टी स्क्वायर है, ये भी टी स्क्वायर है, ये मगर पहले पैराबोला, पहले जो पैराबोला है ये थोड़ा ग्रेजुअली इंक्रीज करा, फिर अब्रप्टली इंक्रीज करा, फिर ग्रेजुअली डिक्रीज करा। अब जरा मुझे बताइए, अगर मैं इस पॉइंट का नाम रखूंगा ए, इस पॉइंट का नाम रखूंगा बी, इसका नाम रखूंगा सी, इसका नाम रखूंगा डी, इसका नाम रखूंगा ई, इसका नाम रखूंगा एफ, जरा बताइए सी से डी स्लोप क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, और सी से डी अगर स्लोप कम हो रहा है मेरे बेटे, सी से डी अगर स्लोप कम हो रहा है, सॉरी, सी से डी अगर स्लोप कम हो रहा है, सी से डी यहां से यहां स्लोप अगर कम हो रहा है, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी मेरे बेटे कम हो जाएगा ना सी से डी, आप देख सकते हो इस कर्व में सी से डी वेलोसिटी कम हो रहा है, ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी है, ये ई है, और ये एफ, दिस इज योर डिस्प्लेसमेंट टाइम। अगर मुझे इसी का डिस्टेंस टाइम डालना होगा बेटे, यहां से पैराबोला, ये स्ट्रेट लाइन, ये पैराबोला डिक्रीजिंग, ये सारा सेम, ठीक है, डिस्टेंस टाइम अगर मुझे डालना होगा, ठीक है, तो यहां से जो ये डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है ना, ये वापस आ रहा है ना ओरिजिन पे, डिस्टेंस में मत, ये पॉसिबल है, क्यों डिस्टेंस में क्यों नहीं है पॉसिबल है, क्योंकि डिस्टेंस क्या ना डिक्रीज विद टाइम, तो आपको इसका मिरर इमेज बनाना पड़ेगा, आपको ऊपर ही लेना पड़ेगा इसको, तो कैसे बनाओगे आप इसको, ये आप इसको ऐसे लोगे, उसके बाद ऐसे लोगे, दिस विल बी द कर्व फॉर डिस्टेंस टाइम, यहां से यहां तक तो सेम था, फिर इसका इसका मैंने मिरर इमेज बनाया ऐसे, इसका मिरर इमेज बन गया ऐसे, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कितना इजी था, थैंक यू बेटे।